IndianTimesDaily.com में आपका फिर से स्वागत है और अमेरिका की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। कैलिफोर्निया में एक दर्जन से ज्यादा वाइल्ड फायर उफन पड़ी है, जिसमें 10 लोगों की जानें चली गई और करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। सबसे बड़ी आग नापा और सोनोमा काउंटीज के वाइन कंट्री में लगी है, जो रविवार की रात को शुरू हुई थी और सूखेपन की वजह से बड़ी तेजी से फैल गई। यूएस सरकार ने औपचारिक तौर पर क्लीन पावर प्लान को रद्द करने की घोषणा की है। इस प्रस्ताव की एक लीक हुई कॉपी से पता चलता है कि सरकार इस प्लान को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से बाहर बताते हुए इसे रद्द करने जा रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को 70 पॉइंट इमिग्रेशन एनफोर्समेंट प्लान का एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसी भी प्रशासन द्वारा आज तक के सबसे सख्त रिफॉर्म्स दिए गए हैं। इस प्लान में सीमा सुरक्षा पर 27 विभिन्न प्रकार की राय दी गई है, इंटीरियर एनफोर्समेंट में 39 सुधार और लीगल इमिग्रेशन सिस्टम में 4 मुख्य बदलाव किए गए हैं। यूएस सीनेट की सबसे पुरानी सदस्य डायन फाइनस्टाइन 2018 में फिर से चुनाव लड़ेंगी। वे यूएस अपर हाउस में 80 वर्षीय सदस्यों में से एक हैं और गन वायलेंस के खिलाफ लड़ने वाली नेता हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हरिकेन से प्रभावित इलाके के एक राहत कैंप में पुर्टो रिकन्स की भीड़ पर पेपर टॉवल फेंकने का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा कि राहत कार्य पर और हरिकेन हार्वी और इरमा की तुलना में उनके रिस्पांस पर मीडिया उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। निवेशक अर्निंग सीजन की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यूएस स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। उम्मीद है कि ट्रंप और कांग्रेस के शीर्ष रिपब्लिकन अगले जनवरी से पहले ये कहते हुए कॉर्पोरेशंस, छोटे व्यवसायों और एकल व्यक्तियों को टैक्स कट का पैकेज प्रदान करेंगे कि टैक्स में कमी लाने से आर्थिक विकास, नौकरियों और तनख्वाह में वृद्धि होगी। नाफ्टा समझौते के चौथे चरण की बातचीत इस हफ्ते वॉशिंगटन में शुरू होगी। हर तरफ ये बातें उठ रही हैं कि बातचीत में यूएस जिस तरह की सौदेबाजी कर रहा है, वह प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान का हिस्सा है, ताकि वह ऐसे हालात खड़े कर सके कि उन्हें कॉन्टिनेंटल ट्रेड पैक्ट से निकलने का मौका मिल जाए। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस फुटबॉल के एक गेम से वॉकआउट कर गए, जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ी नेशनल एंथम बजने के वक्त घुटने के बल बैठ गए। पेंस ने ट्विटर की मदद से अपने जाने की घोषणा की और कहा कि वह और प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी सूरत में झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक रिपब्लिकन सीनेटर ने आगाह किया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देश को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रहे हैं। बॉब कॉर्कर ने कहा है कि ट्रंप अपने ऑफिस को रियलिटी शो की तरह समझ रहे हैं और दूसरे देशों को बेकार की धमकियां दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वह अनाड़ी है। यूएस और टर्की ने आपसी सहमति से दोनों देशों के बीच सफर करने के लिए सभी तरह से नॉन इमिग्रेंट वीजा सर्विसेज को निलंबित कर दिया है। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में अमेरिकन कॉन्सुलेट के एक कर्मचारी को पेंसिल्वेनिया स्थित विपक्षी कट्टरवादियों के साथ संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से इस कदम को रविवार से अमल में लाया गया। इसी के साथ हमारा न्यूज बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉक्ड ऑन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक की सभी अमेरिकन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे।